नमस्कार, मैं हूं शुभ और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। निर्वाचन आयोग की तरफ से अलग अलग राज्यों समेत झारखंड में भी उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि अगर हम बात करें मधुपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां पर चुनाव के लिए जो प्रत्याशी हैं उनका नाम है हाफिजुल अंसारी। साथ ही साथ अगर उनके पिता की बात करें जिनका नाम हाजी हुसैन अंसारी है, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई। उसके बाद हाफिजुल अंसारी उस सीट पर आए, लेकिन इन सब के बीच जो खबर है वो ये है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस उपचुनाव में भागीदारी रहेंगे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जेएमएम की तरफ से चुनावी जनसभा को संबोधित करने जाएंगे और तमाम जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। इसके अलावा और क्या कुछ खबर है आपको विस्तार से बताते हैं। निर्वाचन आयोग ने झारखंड सहित अलग अलग राज्यों में खाली पड़ी विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके तहत झारखंड के मधुपुर विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होते ही 23 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन पत्र 30 मार्च तक भरे गए। 31 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी हुई, जबकि नामांकन वापसी की तारीख 3 अप्रैल निर्धारित की गई थी। 17 अप्रैल को वोटिंग होगी और 2 मई को मतगणना होगी। इसी दिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आएंगे। झारखंड सरकार में मंत्री रहे और मधुपुर विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के विधायक हाजी हुसैन अंसारी के निधन से ये सीट खाली हुई है। चुनाव आयोग ने इस सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की। वर्ष 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में मधुपुर सीट से जेएमएम के हाजी हुसैन अंसारी ने जीत दर्ज की। पिछले साल कोरोना संक्रमित होने के बाद वो ठीक हो गए थे, लेकिन 3 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो गया। हालांकि रिक्त हुई मधुपुर विधानसभा सीट को लेकर सभी पार्टियां पहले से चुनावी रेस में हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हाफिजुल अंसारी को सरकार में मंत्री बनाया। चुनावी घोषणा से पहले हेमंत सरकार ने हाफिजुल अंसारी को बिना विधायक बने मंत्री बनाया। वैधानिक नियमों के अनुसार 6 माह के अंदर सरकार में मंत्री को विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। जेएमएम की ओर से मंत्री हाफिजुल अंसारी मधुपुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी होंगे। हालांकि पार्टी ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अब उपचुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि जेएमएम गठबंधन प्रत्याशी का ऐलान करेगी। आपको बता दें कि जब हाजी हुसैन अंसारी का निधन हुआ, तो उसके बाद उनकी जगह पर उनके बेटे हाफिजुल अंसारी को मंत्री बनाया गया। लेकिन संवैधानिक तौर पर नियमों की बात करें तो मंत्री को दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है, और ऐसे में इस उपचुनाव को लेकर हाफिजुल अंसारी प्रत्याशी के तौर पर जेएमएम की तरफ से होंगे और उन्हीं के लिए जनसभाओं को संबोधित करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झारखंड का दौरा करेंगे। इससे पहले अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल चुनाव को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी सक्रिय दिखाई दिए। उन्होंने पहले अपने सिपह सालारों यानी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी और साथ ही साथ श्याम रजक को बंगाल के दौरे पर भेजा। जब उनसे बात नहीं बनी तो वो खुद ममता दीदी से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद बिना शर्त समर्थन देने की बात कही और साथ ही साथ अब आगामी कुछ दिनों में इस बात की भी चर्चा हो है कि तेजस्वी यादव खुद ममता दीदी के साथ मंच साझा करेंगे और बंगाल की जनता को भी आकर्षित करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।